बोलो, मैंने कहना बोलना क्या है, बोलो बोलो सर, आप पूछिए, क्वेश्चन करिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? आप हम क्या बोलना चाहते हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं? आप कुछ बोलना चाहते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा ना। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ चुनाव का माहौल क्या? देखो, चुनाव का माहौल ऐसा है कि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। वर्ल्ड में जो है इसका एक लोकतंत्र, उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, तो जब देश आजाद हुआ था सबसे पहले कांग्रेस की सरकार बनी थी, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने काम किए। समझ गया, अब बीजेपी की सरकार बनी थी और बीजेपी जो इस टाइम दुनिया में कांग्रेस से कई गुना अच्छा काम कर रही है। मेरी दुनिया से लोगों से यही अपील है, कुछ और तो नहीं बोलना चाहते, पूछो कुछ काम बताओ सर। से धारा 370 का जो काम किया था, हिमाचल के बताएंगे, कश्मीर का। अच्छा, 370 क्या था? 370 धारा ऐसे थी जहाँ पे जो था कांग्रेस के टाइम ने, उन्होंने एक संविधान में एक ऐसा एक्ट बना दिया था कि उनके लिए जो स्पेशल पैकेज, दैट वाज 370 था धारा, 370 था। क्या था 370 का? इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। वो स्पेशल था उनके लिए, जो जम्मू एंड कश्मीर के लिए, वो मुझे इतना पता नहीं है। ये भगवान क्या जुल्म है। बीजेपी सरकार में गैस सिलेंडर का दाम कितने से कितना हुआ? गैस सिलेंडर का दाम जो है राउंड अबाउट 40% बढ़ा है। तो आई डोंट 40% 400 से कितना गया? 400 ने 700 के राउंड अबाउट था जब स्टार्ट हुआ था, अब जो लेवल 100 समथिंग है, कुछ ऐसा है। पेट्रोल का भी राउंड अबाउट 30 से 40 रुपए बढ़ा है। 80 कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? राउंड अबाउट था, तो आप रख लीजिए रफली 95 के राउंड अबाउट है। महंगाई कितनी बढ़ी? महंगाई को राउंड अबाउट 6-7% का दो इंक्रीज हुई है, जबकि जो लोगों की इनकम भी बढ़ी है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड ही बढ़ा है, लोगों के पास पैसे, गाड़ियां नहीं थी पहले। चलिए ठीक है, और कुछ नहीं ना बोलना है? बस यस सर, बस इतना नॉलेज है मेरे पास। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हां, इतना ही नॉलेज है? यस थैंक्स यार, इतना नॉलेज कम है। ठीक है सर, क्या नाम है आप? मनमोहन, मनमोहन मेरा नाम है सर। मनमोहन, मनमोहन समझ गया, मनमोहन। तो एक बात ये बताइए, करते क्या आप? मैं तो कुछ नहीं, बेरोजगार हूँ मैं। हिंदुस्तान में बेरोजगार हूँ मैं। 98 का ग्रेजुएट हूँ और साथ में स्टेट लेवल का स्पोर्ट्समैन ऑफ इंडिया का भी हूँ, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट ने हमारी तरफ नहीं सोचा है। तो करते खर्चा बर्चा? खर्चा कर लेते हैं, काम जो मिल जाता है कुछ थोड़ा।